हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉक्स। कैसा लग रहा है मेरा आज का ये मेकअप लुक? ये बिल्कुल ग्लैम मेकअप लुक है, बट ये थोड़ा न्यूडिश टाइप का मेकअप लुक है। आप देख सकते हैं पूरा फेस एकदम ग्लैम कर रहा है, बट बिल्कुल हल्का लग रहा है। यानी मैंने बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं एंड बहुत सिंपल भी रखा है, बट ये बिल्कुल प्यारा सा ओवरऑल बहुत ही ग्लैम मेकअप लुक है। तो आप इसको डेफिनेट ट्राई ज़रूर करना। इस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम। सीरम मेरा गुड वाइब्स का है, रोज़ हिप सीरम है। एंड इसको मेरे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करती हूँ, डे नाइट दोनों के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है, नरिश करता है एंड आपकी स्किन को बहुत अंदर से हाइड्रेट करता है। ओके, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र चाहे सर्दी हो या गर्मी हो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, बहुत अच्छा प्राइमर है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल अंदर से हाइड्रेट होगी एंड आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, ब्लर करता है। एंड मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आपको प्राइमर यूज़ करना ही करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा है वेट एंड वाइल्ड का, सेम ब्रांड, शेड है 220। एंड इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से डॉट डॉट्स करके पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद ब्लेंडर लेती हूँ एंड उसको अच्छे से डैब डैब मोशन में करके ब्लेंड करना है। ठीक है, आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ करते हैं पर ब्रश उतना अच्छा लुक नहीं देता है, मतलब उतना फिनिश अच्छा नहीं देता है, मैं ये सोचती हूँ, मैं मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैं पर्ल इलिमिनेटर ले रही हूँ एंड इसको मैं क्या कर रही हूँ, पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैं हाइलाइटर लगाती हूँ एंड जहाँ पे मैं ब्लश लगाती हूँ। ठीक है, इसको मैं फाउंडेशन के साथ मिला के लगाती हूँ, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे ही ऊपर से लगा रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYB का, यहाँ पे मैं कॉन्टूर स्टिक ले रही हूँ एंड मैं इससे अपने फेस को थोड़ा शेडो क्रिएट करूँगी। तो मैं यहाँ पे नोज़ पे यूज़ कर रही हूँ, जा लाइन पर यूज़ करूँगी, फॉरहेड पे करूँगी, चिक्स पे मैं तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके फेस पे शेडो क्रिएट होगा, तो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो चाहे तो आप बॉर्डर वाला भी कर सकते हैं, बॉर्डर फॉर्म में जो होता है, नहीं तो आप ये वाला जो स्टिक है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बजट का है, 125 या फिर 150 में मैंने इसे परचेस किया था। तो मैं सेम ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है ये मेकअप का, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कॉन्टोरिंग के बिना मेरा पूरा फेस फ्लैट लगेगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेम ब्लेंडर की हेल्प से बिल्कुल डैब डैब मोशन में आपको करना है, ये खुद ब खुद आपका ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, वेट एंड वाइल्ड का है। एंड कंसीलर तो आपको पता है जहाँ जहाँ आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं वहाँ करना है एंड जहाँ जहाँ पे आपके स्पॉट्स हैं यानी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कहीं कहीं पे ज़्यादा ही कुछ दिखता है आपके फेस पे, ब्लैकनेस मेरा थोड़ा बहुत है लिप्स के पास, तो मैं उसे हाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो सेम ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब मोशन में आपको ब्लेंड करना है, ये आपके अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड आपके फेस पर अच्छा कवरेज आएगा। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल मत छोड़ना, कंसीलर ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फाउंडेशन की दो लेयर भी लगा लें। ठीक है, मैं आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही थी, बहुत आज जल्दी में हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर निकली हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड एक लाइट शेड को ले रही हूँ ऐसा ट्रांजिशन शेड एंड मैं इसे क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। आप बिल्कुल हल्के हाथों से करना, आपको रगड़ना नहीं है, ब्रश को बिल्कुल पीछे से पकड़े एंड बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जब करेंगे तो ये आपका क्रीज पर अच्छे से दिखने लगेगा कि हाँ मैंने आई शेडो का अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद मैं एक डार्क शेड ले रही हूँ एंड मैं आउटर एरिया पे यानी आईज़ की आउटर एरिया पे मैं एक डार्क शेड पिक करूँगी रेड का एंड इसको बिल्कुल वी शेप में अप्लाई करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आगे पीछे नहीं करना है एंड एक शिमर को आप पिक कर लें, शिमर कलर को पिक कर लें एंड इनर आइज़ पे मैं हाफ तक उसको लेकर जा रही हूँ। इस तरह से मैं आई शेडो लगाती हूँ। अभी थोड़ा मैशी लग रहा है बट आप हड़बड़ाइए मत, ये मैशी नहीं लगेगा क्योंकि जब ओवरऑल आप पूरा आई का मेकअप कर लेते हो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगता है। एंड यहाँ पर मैं मोटा सा विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ, हमेशा मैं आप देखते हैं मैं पतली से करती हूँ बट आज मैं मोटा कर रही हूँ एंड यहाँ पर अपने फॉल्सेस लगा रही हूँ। फॉल्सेस लगाना अगर नहीं आता तो उसका बहुत जल्दी मैं ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ। तो बिल्कुल लग गया एंड देखिए मेरा कितना परफेक्ट लुक हो गया। ठीक है, अभी बिल्कुल पूरा मेकअप नहीं हुआ है तो हड़बड़ाइएगा नहीं कि हाँ आप ये लुक अच्छा नहीं लग रहा, बट बहुत अच्छा लगेगा, आप देख के बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पे मैं NYB का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, इसमें SPF 40 भी है तो आपके सनस्क्रीन को उससे प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर आप सनस्क्रीन लगाए हैं इसको लगा लेंगे तो आप सन से बहुत अच्छे से अपने फेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाईलाइटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मैं भूल गई सॉरी, तो हाइलाइटर मेरा जो भी है जो मैं पहले भी यूज़ कर रही हूँ सिवाना का है, सॉरी सिवाना का है
हाईलाइटर एंड ब्रॉन्जर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं हमेशा यूज़ करती हूँ उसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो किट, ये मैं इससे अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। बहुत अच्छा आईब्रो किट है, इसमें दो शेड आपको मिलते हैं, एक डार्क एक लाइट। मैं हमेशा लाइट यूज़ करती हूँ कि बिल्कुल नेचुरल लगता है, ठीक है। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से कॉम कर दी अपने आईब्रोज को, कहीं पे स्ट्रोक जो पड़ जाता है ना वो हार्श हो जाता है, तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकेंगे। यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, नीचे के वाटरलाइन पे मैं भूल गई थी अपने रियल लैसेस को मस्कारा लगाना, तो मैं फिर से मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड आज का ये मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ रेड कलर का, क्योंकि बिल्कुल न्यूड लिप्स रखना था, तो पहले एक लेयर मैं क्रिएट कर रही हूँ। लेयर तो नहीं, हाँ आप कह सकते, लिप लाइनर से मैं हाफ लिप्स को कलर करती हूँ एंड उसके बाद मैं अपना जो भी न्यूड वाला लिपस्टिक होता है इससे मैं कवर कर लेती हूँ। पूरे अच्छे से लिपस्टिक लगाती हूँ एंड बिल्कुल कम लगाती हूँ, आप बिल्कुल थोड़ा सा लेना एंड उससे पूरे लिप्स पे ऐसे लगा कि आप देखना, अगर बिल्कुल डार्क हो जाता है तो हल्का कर लेना, नहीं तो अगर हल्का है तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ देना। तो इस तरह से मैं अपने लिप्स का मेकअप करती हूँ। लिप्स में लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको पता है लड़कियों को लिपस्टिक इतना ज़्यादा पसंद है। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल कवर हो गया रेड शेड। यहाँ पे मैं अपना मेकअप फिक्सर यूज़ करी थी, उसके बाद उसको अच्छे से टैप टैप मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो गया है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं मेरी इस वीडियो की हेल्प से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको पता ही है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, उसको क्लिक करना, उसके बाद एक छोटा सा बेल आता है उसको प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमेशा जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। कल मिलती हूँ किसी वीडियो के साथ, बाय बाय।